हमारा शीर खुरमा रेडी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे मैंने ऊपर से बादाम और पिस्ता से के पाउडर से गार्निश की है, तो देखें कैसे मैंने बनाया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अमो इब्राहिम किचन। ईद मुबारक। ईद मुबारक सबको। तो अभी हम बनाने लगे हैं शीर खुरमा, जिसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पैकेट बारीक सेवइयों का लिया है और इसमें शुगर है, तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, पिस्ता, बादाम और गरी, और दूध लिया है ये 2 लीटर का पैकेट। अल्हम्दुलिल्लाह। दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है और साथ ही मैंने इसमें ये 3 इलायचियाँ भी डाल दी हैं। तो दूध को अच्छा सा बॉयल आने देंगे, फिर हम लोग बाकी बाद में चीज़ें ये सेवइयाँ बनाएंगे। तो अपनी इस खुशियों में प्लीज़ अपने दोस्तों को, अहबाब को और उन फैमिलीज़ को जो इस वक्त शदीद रंजो गम में हैं, उनको प्लीज़ याद रखिएगा। अल्लाह ताला उन सब की मगफरत करे जो हमारे दोस्त अहबाब कराची में जो वाकया हुआ है लाहौर से जाते हुए, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे और फैमिली को और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन। इधर एक देगची में मैंने थोड़ा सा घी लिया है, तो इसमें हम फ्राई करेंगे सेवइयों को और नट्स वगैरह जो हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और इसी में मैं सेवइयां भी डाल दूंगी और उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया, तो अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। दूध बॉयल हो गया था तो मैंने इसमें ये सेवइयां डाल दी हैं और साथ ही इसमें जो नट्स थे वो भी सब मैंने डाल दिए हैं। अब मैं ये ऐड कर रही हूँ किशमिश। हमारा अच्छा सा मज़े का शीर खुरमा तैयार होने को है। अभी इसमें मैं ये गरी भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। हमारा शीर खुरमा रेडी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे मैंने ऊपर से बादाम और पिस्ता से के पाउडर से गार्निश की है, तो देखें कैसे मैंने बनाया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक।